कीता है जिंदी सजा मेरे को सारी हयाती मिले दी पई है। बस दिल दी मेरे को बस दिल नहीं आखड़ा। अगर कल मैंने ये सब कुछ बर्बाद करना ही है तो आज क्यों नहीं। इंसान की बहुत बदकिस्मती होती है जब वो अपने ही गुस्से में जल जाता है। हमने शायरी को फारिग कर दिया। सर तुम उदास हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सर वो मेरे उस्ताद हैं। समीर आपने इनका तारुफ नहीं कराया। ये मेरी मिसेज हैं, मैंने तुम्हें बताया तो था। कुछ नाम नेहाद मजबूरियों ने हमारे सिस्टम में खराबियां पैदा कर दी, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम ये खराबियां दुरुस्त कर लेंगे। अल्लाह खैर करे, लेकिन मालिक अल्लाह दाद। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद बात करूंगा। आप अब ये चाहते हैं आपको आपकी बीवी वापस मिल जाए। जी हाँ। साहब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? गलतियों को दुरुस्त करना भी नेकी का काम होता है मलिक साहब। अब तो पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। पंजी भरे बहुत लंबा अरसा। वो आज भी अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब शायद वो जाना ना चाहे। आज वो दो बच्चों की माँ बन चुकी है। फिर तो आप पर दोहरा केस हो सकता है। आप समझे मलिक अलादात, अब हालात 25 साल पहले वाले नहीं रहे। क्यों इस उम्र में मुश्किल में पड़ते हैं? आप खातून को मुझसे मिलवा दें, फिर शायद कोई हल निकल आए। कल मैं उसे आपके दफ्तर ले आऊंगा। नहीं मलिक साहब, मैं आपको उसे धमकाने का मौका नहीं दूंगा। मुझे आज और अभी मिलना है। साहब जी वो मैं कबूल कर घनसन। आज भी वो वक्त से पहले मेरे ऑफिस आ गए थे। अगर वो ना चाहते तो मैं यहाँ क्यों आता? साहब जी यहाँ मैं कुत्ते जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ और वहां। ये मेरी गारंटी है, तुम अगर वापस जाना चाहती हो तो गारंटी के साथ जाओगी। वहां तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगा। साहब जी मेरे बाल बच्चे। मैं एक बार उनसे मिलूं। साहब जी मैं वड़ा साईं को मिलना चाहती हूँ। कितना बदल गई है। तभी तो बुढ़ा थी। तुम हाथों बच ले सकी। 25 साल कैद बेच रही हूं, तू बचा गिंदा। क्या क्या नहीं किया? क्या
वापस आवंश। देखो पंजे साल दी कहानी पंजे सेकंड में की मैं सुनावा। अकेली नहीं हूं सर, मेरे दो बच्चे। इतना भी तेरा एक बेटा है, बड़ा खूबसूरत जवान निकली है। मेरी एक दी है सारिया, एक बेटा है सजल, वो तो आपको अपना बाप समझेंगे। तूने झूठ बोला अपने दिल में चुटकी में कट को जिंदे बाल हैं उनको दे दे। मेरे बच्चे पैदा किया है उन्हें, खून है मेरा जो सड़क खून है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचे थे? सिद की गुजर गई है सुन, और बाकी थी भी गुजर वैसी जा चला जा, क्या करे से मैं को हासिल कर। जिस साल बाद ते को लेगी ते लेगी ते ही काफी। आप दोनों ने अच्छी तरह सोच लिया? जी हाँ। मेरा मशवरा है एक बार फिर सोच लीजिए। सही, जितना सोचे उतनी उलझन है। पंजी बरे बाऊ सोचा है, अब फैसला कर दियो। तो फिर आपको हलफनामा देना होगा कि जुलैखा बीबी और इनके बच्चों को आपके यहां से कोई शिकायत नहीं होगी। हलफनामे तो बंदा मुकर भी सकता है। तो फिर मेरे जैसा कोई निमट लेगा? देखिए इनको तो आप खुश रख सकते हैं, लेकिन इनके बच्चे। मैं हलफ दे देना। ठीक है, फिर 25 साल बाद कल मिलन होगा। दिन तो जैसे हमारे लिए आजादी का दिन था, हमें तो पता ही नहीं था ईद कैसे मनाते हैं। पर शायद ईद ऐसे ही होगी जब हम बाबा साईं की हवेली में गए। आज का दिन भी मेरे लिए वैसे ही था, शायद इन यादों के सहारे अब जिंदगी गुजर जाएगी। आज जिंगल कैसे गया? जैसे आपने बताया था, हिम्मत बांधने के लिए
आंखें बंद कर ली थी मैंने और मेरे एहसान के बारे में सोचा। सिर्फ आपके बारे में सोचा था। मेरे बारे में? बहुत परेशान करती है ये लड़की। उफ, मेरे अल्लाह। क्या करूं, कहां ढूंढूं? कहां थी तुम? तुम्हें कोई मां का एहसास है? जान सूली पे लटका कर मुझे कहते हैं सब्जी लेने जा रही हूं। कहां है तेरी सब्जी? अम्मा वो मैं नहीं लाई। लाती भी कैसे, सब्जी की दुकान पर जाती तो लाती। हाँ अम्मा, सब्जी की दुकान पर तो मैं गई ही नहीं। पता है मुझे, सब्जी ना लाने पर इतना गुस्सा क्यों करती हो अम्मा? गलत, बिल्कुल गलत। सब्जी ना लाने की वजह से गुस्सा नहीं कर रही, तुम्हारे झूठ बोलने पर गुस्सा कर रही हूँ। पागल लड़की, तू मुझे बता कर जाती तो मैं तुम्हारे खेलने पर मना करती। नहीं अम्मा, तुमने मुझे कभी मना नहीं किया, बल्कि कभी डांटा भी नहीं। अच्छा ठीक है, अब सना को आवाज दे, वो खाना ले आएगी, हम दोनों बैठ कर खा लेंगे। अम्मा वो ला रहा है खाना। सनी, लो आ गए। हाला, आ गई आपकी लाडली बेटी। ये खुद आई है या तुम लाए हो? हाला मैं लाया हूँ, खेल रही थी वहां अपने बेस्ट फ्रेंड गुड्डू गड़बड़ के साथ। सनी, अब जल्दी से जाओ खाना डालकर लाओ, हाला के पेट में चूहे बंटे खेल रहे होंगे। छठे को बुला। हुकुम माफ कर दो भाई, हुकुम माफ कर दो भाई, हुकुम माफ कर दो, मैं उसको क्यों मरे सा, वो गाल डस्ट अवे, बुला उसको। छोटे सही साहब दे गिनो, साहब दे गिनो। और छठे दी मां पर्दा छोड़, छोटे सही हम दे पैन। सच बता वरना पहले तुम मर जाए। सही, सही, वो भज गया सही, वो भज गया सही, वो भज गया सही। Thank you.
सही निका सही हूं साकू साड़ी खिदमत का यही सिला मिल सी। घबरा ना, मैं तुझे तब तक न मरन दे सा जब तक तू मुझे उस तक पहुंचा नहीं देता। सही सही गोली न मारी, मैं थोकू थोकू घिंजुल सा उठाई घिंजुल सा। कैसी कर रहे थे अब फाला की? हाँ बेहतर है। कहाँ है? दवा खा के सोई है। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गए थे और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। क्या कहा डॉक्टर ने? टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। सनी को देखा था? सनी गया था ना? हाँ। अच्छा लड़का है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सना, तुम्हें पता है उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। मुझे अब पता चला कि अच्छा लगना कैसा होता है। क्या तो बात यहाँ तक पहुँच गई, अच्छा लगने तक। सना शायद इससे भी आगे। तुम तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली ईमान। मजाक कर रही थी भाई, हम सीधे से लोग हैं, ये प्यार व्यार के चक्कर में हम नहीं पड़ते, और हमसे नहीं हो सकता ये प्यार। वैसे वो तो तुम्हें बहुत चाहता है। अरे नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी और उसने थोड़ी मदद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं जाती हूँ फिर। हाँ ठीक है। छड़े ओए आंखें खोल, कहाँ जाना है? ये है घर। कौन है? सही है ये साढ़े गांव का अख्तर है, वो इतना आराम है। अल्लाह अख्तर। सही सही एक टीका चा लिवा रहे हो, अल्लाह जानता है बहुत दर्द थी ना भी। जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका इलाज है मेरे पास, तो जुल जाके दरवाजा खुलवा। जुल कौन है यार? जलाल सही। वे अख्तर तू तो साकू बुलाई छोड़ा है। क्वार्टर तो बहुत चंगा है तेरा। क्या दिन सही जलाल को मैं आप गाल करे सा
तो चुप कर, जो लख कर। तू इतना हैरान होकर क्या देख रहा है? मैं आप हाँ, तेरा छोटा साई। जी छोटा साई, छोटा साई ये क्या थे? कुछ नहीं, मामूली सा जख्मी हो गया, आराम करेगा ठीक हो जाएगा। चल चल, वैसा कर कुछ खाने के लिए लेकर आ। सही, खारे तो कुछ का नहीं है, आंखों तो बारू घेना वा। नहीं, बाहर से तो हम भी ले आते हैं। ऐसा करते हैं कि सुम दे, कल घा गिन सुम। चल चल। सही, भूख डाढ़ी लगी खाली। भूख लगी है? चल चल, ते को खाना खवा सा। आज आज स्टूडियो जाना चाहिए? नहीं, मुझे अब सरमत पर दोबारा यकीन नहीं करना चाहिए। वो इधर से गुजर रही थी तो मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। सरमत, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। ना सही, बेख्याली में ही सही, आई तो वो आमना। अब अगर आई गई हो तो चाय तो पी के जाना प्लीज। जल्दी में आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये चलता हुआ ऑफिस खरीदा है इस तरह करके। I like it. किस तरह? मेरा मतलब है कि मुंह मांगे दाम अदा किए इस ऑफिस के बारे में। तुम पहले समीर के ऑफिस में काम करते थे? अरे समन जी, बस आ रही दो चार दिन। वहां के लोगों को तो जानते होंगे। मेरा मतलब है कि ऐसा वैसा। अरे मैडम, उस ऑफिस में काम करने वाले की रग रग से वाकिफ है ये जरार। इस तरह करके जितने काम के बंदे हैं उन्हें अपनी कंपनी में जॉब देना। अरे मैडम, ये काम भी हो जाएगा लेकिन मुआवजा जरा मेरा मतलब है कि मुआवजा जरा दोहरा करके देना पड़ेगा इस तरह करके। अरे तुम समझी नहीं, ये काम हो गया इस तरह करके। उनके क्लाइंट्स की लिस्ट हासिल कर हमें उनके क्लाइंट्स अपने बनाने। मैडम, ये हमें अपनी कंपनी चलानी है या उनकी कंपनी डुबानी है? Well understand. मैं बरसों से इस काम की तलाश में था समन जी। अब देखिएगा मेरा असल टैलेंट। इस तरह करके आओ आमना। देखो आमिर कौन है। आमना मैडम, आप कैसे हो? आमिर मैं फाइन, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। बड़े टाइम के बाद नजर आई है। आमिर, आमना के लिए चाय तो बनवाओ। जी सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। आमना
तुमने तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लिए हैं सरमद। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं आमना। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है सरमद, मेरे बगैर भी सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। कामयाबी पैसे या पेशे से नहीं, प्यार से मंसूब है आमना। इंसान के कामयाब होने का क्या फायदा जब उसकी कामयाबी की खुशी मनाने के लिए उसके पास कोई हो ही ना। मैंने तो सुना है बहुत खुश रहते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, और तुम भी तो उनमें बहुत खुश रहते हो। गलत सुना, बिल्कुल गलत। मैं टूट सा गया हूँ आमना, जब से तुम गई हो कुछ नहीं रहा मेरे पास, अकेला रह गया हूँ। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं आ गई हूँ? मेरे दिल ने कहा है आमना। तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दो सरमद कि आमना को अब कभी जाने नहीं दोगे। हाय हाय, ये हंसी कम पड़ गई थी मेरी जिंदगी में। वादा करता है सरमद, आमना कहीं नहीं जाएगी। अच्छा तो मेरा शूट कब होगा? हेलो सनी यार, एक शूट करना है। हाँ चलो आओ, मैं बताता हूँ। अम्मा वही मान अभी कहाँ है? चले जाओ, आवारा कहीं के। मैं आवारा नहीं हूँ। वो खेलने नहीं आएगी। शादी हो गई है उसकी? हो जाएगी। अच्छा फिर वो कहाँ है? क्या कहना है? एक बात करनी है। उधर है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मान अपी ये सब क्या कर रही हो? देख नहीं रहा, खाना बना रही हूँ। मैं समझ गया हूँ, तुम्हारा दिमाग उस सनी ने खराब किया है। सनी? हाँ सनी, वो नहीं चाहता कि तू हमारे साथ खेले। अच्छा फिर ये भी बता दे क्यों? क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है। गुड्डू गड़बड़, भाग यहाँ से। जाता हूँ, पर तुम्हारी शादी मैं उस सनी क्रिच के साथ नहीं होने दूंगा। सनी? सनी क्या? सनी क्या? सनी क्रिच। सनी सनी यार, एडिटर को कॉल करने, समीर रात होते ही चीखने लगेगा। अच्छा तुम खुद क्यों नहीं करते? मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे कोऑर्डिनेटर बना के रखती है। दिस इज टीम वर्क ओके, यहाँ पे ऐसे ही होता है। लोग भी ना अपना उल्लू सीधा करने के लिए पता नहीं क्या क्या लफ्ज इजाद कर लेते हैं। हेलो इब्रार, कहाँ है तू यार? कब आएगा? सही बताया यार, ऑफिस के बाहर खड़ा है, तू अंदर क्यों नहीं आ रहा भाई? किसी ने रोक लिया है? जल्दी पहुंच यार। पहुंच रहा है, लोग बहुत झूठ बोलने लग पड़े। अंकल जी, ये चार टीजर्स हैं, इन्हें चैनल पर जाना है। अंकल जी नेक्स्ट जिंगल के लिए जरा समीर से तो बात कर लीजिए। सुहेल तुम खुद कर लो बात। प्लीज आप खुद कर लीजिए ना, मैं नहीं कर सकता।
अरे आओ भाई, कब से इंतजार कर रहा हूँ, चल मेरा एक मसला तो हल कर दो यार, आओ। जब मोहब्बत होती है तो क्या होता है? कोई अच्छा लगने लगता है, इंसान मिस करता है किसी को, फीलिंग शेयर करना चाहता है, क्या कमतल कुछ तो बताओ कि क्या क्या होता है? तुम खुद इतने जीनियस हो, बच्चे तो नहीं रहे, कुछ तो समझ होगी तुम्हें। समझ तो होती है, लेकिन इंसान किसी का वोट भी तो चाहता ना। बताओ ये कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? हुई है। किसे? मोहब्बत बड़ा पर्सनल मसला होता है। कम ऑन यार, अपना पर्सनल मसला तो मैं कुछ समझ के तो बता रहा हूँ। काश तुम मुझे कुछ। कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, मेरे ख्याल में जब कोई अच्छा लगने लगे उसे फौरन कह देना चाहिए। क्या? I love you. I love you? मैं भी आती हूँ। इसे क्या हुआ? लगता है ये अपनी मोहब्बत खो चुकी है। इससे पहले कि मैं अपनी मोहब्बत खोऊं, कह देता हूं, वैसे भी सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अम्मा आप तो सो जा, ठीक है? मान जी। अम्मा तू तो सब्जी लेने नहीं गई थी? हाँ। तो खेलने भी नहीं गई थी? हाँ। तो कहाँ गई थी? अम्मी तुम आराम करो, फिर बात करेंगे। नहीं माँ, तुमने सच सच ना बताया कि तुम्हारी माँ को तरह तरह के वहम आएंगे। तेरी माँ कैसे सुकून से सो पाएगी? अम्मा मैं तेरी मालकिन के घर गई थी तेरी जगह काम करने। मान? बस काम करके वापिस आ गई। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तू पहले ही बीमार है, मैं तुझे क्या बताती अम्मा। और वैसे भी क्या? वैसे भी तूने कभी मुझे बताया कि तेरे साथ क्या क्या बदतमीजी करते हैं वो लोग? मान मुझे समझ आ गई है अम्मा कि तूने मुझे किस तरह पाला है। बस ईमान अब तुम उनके घर नहीं जाओगे। तो अम्मा अगर वो खुद लेने आ गए तो मैं जाऊंगी, तुम नहीं जाओगी। किसी को जाने की जरूरत नहीं है, 3,000 जो उनसे लिया था वापस कर दूंगी। बस अब मैं एक काम करूंगी और तुम देखना घर का नक्शा बदल दूंगी। क्या काम करोगी तुम? अम्मी मैं मॉडल बनूंगी। वो क्या होता है? अम्मा वो जो ड्रामों के दरमियान इश्तहार चलते हैं ना, सबसे अच्छा टूथपेस्ट चाय के, वो होती है मॉडल्स। क्या तो टीवी पे आएगी? हाँ अम्मा, तुझे कोई एतराज तो नहीं? नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम वहाँ जाओगी कैसे? अम्मा वो सनी है ना, वो ले जाएगा मुझे। फिर ठीक है, अब तो सुकून से नींद आ जाएगी ना। एक बात और बता दे। अम्मा सारी बातें आज ही पूछेगी क्या? हाँ क्या पता कि लंबी नींद ना आ जाए। अम्मा अच्छा पूछ। ईमान ये सनी तुझे कैसा लगता है? अच्छा है, पागल है थोड़ा सा। तो अच्छी बात है ना, पागल है। तुझे सी पागल के साथ कोई पागल ही गुजारा कर सकता है ना। अम्मा मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है।
है। हाय, तुम फिर से आ गई? वो सरमद ने बुलाया था। सरमद? सर सरमद बोलो। जिसके नाम में ही सर हो उसको सर क्यों बुलाएं? कि तुम बात किस तरह कर रही हो? सरमद ठीक ही कहता था। बैकवर्ड। सरमद क्या कहता था? आई डोंट नो। सरमद क्या कहता है? यू डोंट नो। व्हाट? रास्ता छोड़ो। अरे ज़ारिया बेटी, इन्हें रहने दो, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं बाबा, मैं कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। मैं ये सूप बनाया बेटा, इसे पी लो ताकि थोड़ी एनर्जी आए। अम्मा, ये आपने अकेले थोड़ी बनाए, मैंने भी तो बनाए। जरा सा चम्मच के चला दिया, सारा क्रेडिट लेना चाहती है। चलिए भाभी, जल्दी से पीकर बताएं कि कैसा है। मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है, दिल चाहता है समन का गला दबा दूं। ये सारी माएं एक सी क्यों होती हैं? जद्दत भी एक ही होती है बेटा। वाह वाह, क्या डायलॉग बोला है। मैं देखता हूं। नहीं नहीं आप रुकिए बाबा, मैं सुनती हूँ। अब तो एक ही अरमान रह गया है, दिल चाहता है कि अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊं। वो दिन भी जल्दी से दिखा दो। भाभी, आपका फोन है। मेरा? समीर का होगा, जाओ सुन लो। नहीं अम्मा, कोई इनका रिलेटिव है, वो क्या नाम बताया था उसने अपना, हाँ जलाल। जुदा होना जरूर।